तो नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेली यू के व्हाट इज अ पोस्ट रिलीज डिफेक्ट पोस्ट रिलीज डिफेक्ट बेसिकली ये होता है कि योर क्लेम इज प्रूवन रॉन्ग मीन एक चीज एक फंक्शनैलिटी आपने कमिट की एंड यू एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट यू क्लेम कि दिस फंक्शनैलिटी इज वर्किंग दिस फंक्शनैलिटी हैज बीन अटेस्टेड लेकिन जब आपने उसकी डिप्लॉयमेंट की प्रोडक्शन साइड के ऊपर तो आपका क्लेम गलत हो गया साबित अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम लो प्रायोरिटी एरिया मैं लो प्रायोरिटी एरिया की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा यूजेबल एरिया की यानी वो फीचर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर तो इज is के इसको इसको इस चीज को हम लोग टिपिकली बग बोलते हैं कि एक चीज आपने क्लेम की कि वो काम कर रही है कोई भी फीचर था कोई भी फंक्शनिटी थी लेकिन जब उसको लोगों ने यूज करना शुरू किया तो जब लोगों ने यूज करना शुरू किया तो वो बेसिकली फीचर ब्रोक हो रही थी कहीं ब्रेक के जा रही थी कहीं फ्लो उसका टूट रहा था जो चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं प्रोड्यूस हो रही थी इसकी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल लॉग नहीं हो रहा या लॉग हो रहा है तो लॉग होने के बाद जो स्क्रीन ऑथराइज है उस यूजर को उसको वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही उसे कुछ और ही स्क्रीन नजर आ जाती है ये एक बहुत बड़ा पोस्ट रिलीज डिफेक्ट है कि आपकी ऑथराइजेशन हैंडल नहीं हुई हुई कि आपने जो स्क्रीन एक यूजर को ऑथराइज की हुई थी दिखाने के लिए उसको वो वो तो नजर नहीं आ रही कुछ और स्क्रीन नजर आ रही है दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली सो दिस इज वेयर एक्चुअली प्रॉब्लम कम्स इन कि अगर तो एक चीज रिलीज नोट्स का पार्ट है तो वो क्लाइंट बियर कर लेता है उसकी कॉस्ट के जो जो क्लाइंट है वो कहता है ओके okay जी सिंस इट वाज कम्युनिकेटेड टू मी अर्लियर आई विल लुक इनटू इट हाउ मच आई कैन कंपनसेट लेकिन अगर 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 किसी कंपनी ने ये क्लेम किया हुआ या रिलीज नोट्स में ये चीज मेंशन नहीं की और रन टाइम पे बग आ गया यानी प्रोडक्शन साइड के ऊपर बग आ गया और वो क्लाइंट ने रिपोर्ट कर दिया है यानी जो एंड यूजर है उसने रिपोर्ट कर दिया Now, है ना इस तरह के जो इश्यूज हैं वो कभी भी कस्टमर पे नहीं करेगा अपने पॉकेट से उसको फिक्स करने के लिए दिस इज एक्चुअली वेयर कम कमेन क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन साइड पे कोई इशू आ जाए इट इज वेरी कॉस्टली इससे मुराद ही होती है इसके दो इशू दो इसके एंगल हैं या दो इसके हैं एक तो ये है कि कस्टमर वॉन्ट बी पेइंग इट कस्टमर पे नहीं करेगा क्योंकि कस्टमर को जो जो कस्टमर है वो आपको ऑलरेडी पे कर चुका हुआ है ये आपकी साइड पे कोई चीज सही तरीके से हैंडल नहीं हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन साइड के ऊपर बग आ गया दूसरा

जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज द मोस्ट 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 कॉस्टली जो हमारा कॉस्टिंग का फैक्टर है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट फैक्टर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिसाइड जो हार्डवेयर वगैरह वो इतना ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू ह्यूमन रिसोर्स तो जब आपने प्रोडक्शन लेवल पे जाके बग को फिक्स करना है नंबर वन उसकी कॉस्ट नंबर टू कि आपने उसको फिर डिप्लॉय करना है हंड्रेड साइड के ऊपर ताकि जो फॉर एग्जाम्पल अगर दस कस्टमर वो बग को रिपोर्ट कर रहे थे दे वॉन्ट बी रिपोर्टिंग इट सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वांटम कि एक तो आपकी रिप्यूट गड़बड़ हो ही रही है बिसाइड दैट डैमेज टू योर आपकी जो कॉस्ट है वो कोई बेयर करने को तैयार नहीं है मीन योर प्रोडक्ट इज बैडली इंजीनियर्ड समाव जो आपके एस डी एल सी के प्रोसेसिस से फेजिस से दे एक्चुअली फेल और इस सिचुएशन में जो ब्लेम अमूमन जाता है दैट लाइज विद द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या अ टेस्टिंग टीम रीजन कि जब भी प्रोडक्ट product, प्रोडक्शन पे जाता है या जब भी प्रोडक्ट को शिप किया जाता है उसकी जो उस पर जो स्टैंप होती है वो डेवलपमेंट की नहीं होती वो क्यूए की होती है यानी जो क्वालिटी इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली ये इंश्योर करता है कि जो वो मार्केट में डिस्पैच कर रहा है या जो डिलीवर कर रहा है वो रिक्वायर्ड स्पैक के हिसाब से है Now, यहां पे अब डेवलपमेंट टीम की गलती नहीं है समथिंग वेंट रॉन्ग मे बी इन द रिक्वायरमेंट मे बी इन द डिजाइन लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम लाइज विद द क्वालिटी प्रोसेस कुछ गड़बड़ हुई है कि एक गलत चीज या एक डिफेक्टेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया